हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसजे कैम के ऑडियो क्वालिटी के बारे में, एसजे कैम के जो एक्सटर्नल माइक होता है उसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में। एसजे कैम को मैंने कुछ दिन पहले मंगवाया था, उसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग और जुगाड़ करके ऑडियो क्वालिटी को सही करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप ये वीडियो स्किप करके जाते हो या छोड़ के चले जाते हो तो आप बहुत पछताने वाले हैं। पता क्यों? जब आप खरीदोगे एसजे कैम या एक्सटर्नल माइक, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर बोलेंगे यार काश मैंने वो वीडियो देख ली होती तो आज मैं ये गलती नहीं करता। तो इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या करना है आपको और किस तरह से इसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक होगी। अगर ठीक नहीं होगी तो आपको ये लेना है नहीं लेना है पूरा सब पता चल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, तो मैंने एक माइक मंगाया था एक्शन कैमरा के लिए, वो भी आ चुका है। अभी अनबॉक्स करते हैं इस पैकेट को। इसकी जो केबल है काफी सॉलिड है, काफी ज्यादा सॉलिड है, केबल तो अच्छी है। और बाकी ये मिनी यूएसबी है और माइक कुछ इस तरह का है। अभी कैमरे में लगा के देखते हैं किस तरह का लगेगा। सो गाइस, तो हेलमेट के अंदर मैंने माइक लगा दिया, यहाँ पे इसके पीछे लगा दिया। और बाकी ये इसकी मिनी यूएसबी है जो कैमरे में लग जाएगी, कैमरा अपना यहाँ पे लगता है। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ एसजे कैम 6 लीजेंड का माइक टेस्ट करने, किस तरह से क्वालिटी आएगी उसकी। तो अगर कुछ गड़बड़ रही, क्वालिटी सही नहीं आएगी तो उसको फिक्स भी करेंगे। फिक्स करने के लिए मैंने ये ले लिया, टेप ले लिया, कटर और कुछ कॉटन ले लिया। देखेंगे आगे वीडियो में क्या होता है, सही आती है आवाज़ या नहीं आती है, ठीक हो पाती है नहीं होती है। सो चलिए चलते हैं। सुबह अभी माइक लगा दिया मैंने, बताना किस तरह की आवाज आ रही है। अभी तो हम रुके हुए हैं, अभी कोई सा भी बिल नॉइज नहीं है, तो नोटिस करना किस तरह की आवाज है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो चलते हैं अभी। अभी हम 30 की स्पीड में हैं और साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा किस तरह से आ रहा है। आई होप साउंड अच्छा आ रहा होगा। तो भाई जो अभी 30-40 की स्पीड में चल रही है बाइक, साउंड आपको बताना किस तरह की आ रही है 30-40 में, सो नोटिस करना। और आपको ये बात बतानी थी कि ये जो मेरा हेलमेट है ये सबसे बेसिक वाला हेलमेट है और इसमें जो चिन पैटर्न होता है वो नहीं है। A few moments later. तो गाइस, माइक ने सारा मूड खराब कर दिया, बहुत बेकार आवाज आ रही है। साउंड ऐसे लग रही है जैसे स्पीकर फट गया हो, इस तरह की आवाज आ रही है। सो अभी मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ, उसमें वो कॉटन वगैरह ली थी मैंने, उसको लपेट के अच्छे से लगाता हूँ, फिर चेक करते हैं प्रॉपर चलेगा या नहीं चलेगा। गाइस, तो इसमें हमने टेप अच्छे से कर ली है, तो ये आगे छोटा सा हिस्सा छोड़ा है हमने ताकि इसमें साउंड हमारी आ जाए। बाकी देखते हैं इसको लगा के, यहीं पे लगा के देखेंगे, क्योंकि जब हमने हेलमेट लगाया था तो उसके बाद ही जस्ट बेकार आवाज आ रही थी, फटी फटी आवाज आ रही थी। हेलमेट लगा के इसकी साउंड चेक कर लेंगे, अगर अच्छी आई फिर हम बाइक राइड करके इसको चेक करेंगे। सो गाइस, इंडोर में तो मिशन सक्सेसफुल हो गया, वो हुआ इस तरह से। तो गाइस, मैंने क्या करा, जो कॉटन लगा रखी थी उसको हटा दिया पूरी तरह से और ओनली टेप लगाई, टेप इस तरह से लगाई तो पूरी तरह से आगे से भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, तो अभी बिल्कुल सही आवाज आ रही है इनडोर में। ठीक है, तो भी आउटडोर में आवाज आ सकती है, विंड नॉइज वो वगैरह। तो इसमें क्या करूंगा, मैं हल्की सी कॉटन डाल के फिर से एक बार टेप लगा दूंगा और उसके बाद इसका जो कवर रहता है उसको लगा दूंगा, फिर हम बाहर जाके बाइक चला के देखेंगे किस तरह से आवाज आती है। तो गाइस, अभी हम फिर से 30 की स्पीड में आ गए हैं, आवाज़ किस तरह से आ रही है। तो गाइस, तो मैं अभी हाईवे पे आ गया हूँ, जीटी रोड। सो अभी हम चल रहे हैं 40 की स्पीड में, तो अभी बताना आप किस तरह से साउंड आ रही है। तो अभी मैं 50 की स्पीड में हूँ, तो 50 की स्पीड में कुछ इस तरह की साउंड है। अभी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, देखते हैं किस तरह की आवाज़ आ रही है, आप नोटिस करते रहना। सो गाइज, अभी मैंने क्या करा, एसजे कैम का माइक मंगाया था और उसको मैंने काट दिया, और काटने के बाद मेरे पास ये बोया का
माइक था ये खराब हो गया था, यहाँ से पूरा एडेप्टर खराब हो गया था। तो मैंने क्या करा, वायर को माइक में काट के डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया। तो नीचे आप दिख रही होगी माचिस की तिल्लियां जली हुई। सो होता क्या दोस्तों, जो ये माइक और हेडफोन की वायर जो होती है अंदर से वो शील्डेड होती है, तो आगे से जलानी पड़ती है। उसके बाद इसमें जो तांबे की तारें होती है वो पतली पतली निकलती है, और जब हम जोड़ेंगे तो वो कंटिन्यूट होती है, नहीं तो अगर जैसे आप जोड़ोगे तो वो कंटिन्यू नहीं होती है। सो ये फंडा रहता है, तो जलानी पड़ती है आगे से। अभी मैं टेपिंग वगैरह कर दूंगा अच्छे से, और फिर कल देखेंगे किस तरह की साउंड आती है। सो गाइस अभी मैंने माइक इंस्टॉल कर दिया, आई होप अभी सब बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, 3-4 दिन से मेहनत कर रहा हूँ मैं माइक के लिए। सो गाइस आज है तीसरा दिन माइक को ठीक करते हुए। सो अभी हम है 30 की स्पीड में, तो 30 की स्पीड में किस तरह की आवाज आ रही है, आई होप बढ़िया आवाज आ रही है। अभी हम 50 की चलते हैं, फिर देखते हैं किस तरह की आवाज आती है, कोई नॉइज आती है या नहीं। तो अभी जैसे आप मीटर में देख रहे होंगे, तो अभी हमें 50 की स्पीड है, तो दिन नॉइज कुछ इस तरह से आ रही है जो भी आपको सुनाई दे रही होगी। अभी करंट भी चलाते हुए मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, बस बोल ही सकता हूँ, बोल रहा हूँ कि 50 की स्पीड में चल रहे हैं और किस तरह की आवाज आ रही है, नोटिस जो करना। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। सो गाइस आपने ऑडियो क्वालिटी तो चेक कर ही ली होगी दोस्तों, सभी जुगाड़ करने के बाद भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन अभी लास्ट वाली जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सुनने लायक है कि चल सकती है। और मेरा जो हेलमेट है वो भी बेसिक वाला है, स्टड का है 700 का, सो उसमें सारी हवा अंदर आती है, विंड ब्लास्ट आता है, ठीक है, तो इसकी वजह से साउंड थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और बाकी अगर आप मेरे से सजेशन लेना चाहोगे तो मैं इस कैमरे और माइक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खरीदें। आप इससे नेक्स्ट वाला वर्जन खरीद सकते हैं, SJ8 Pro, उसमें आपको थोड़ा ठीक मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं। और अगर आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं थोड़ा सा और, तो 20-21 हज़ार में आपको ओसमो का एक्शन कैमरा मिल जाता है, DJI ओसमो का, वो इससे बेहतर है। और बाकी आपके पास बहुत पैसा है फिर तो आप GoPro ले ही सकते हो। सो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था, अगर आपको वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप इस तरह के और ब्लॉग और इस तरह के मोटर ब्लॉगिंग वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।